हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईएएस स्टडीज़ पर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, जो कि लेक्चर पहला मैंने स्टार्ट कर दिया है फ्रेंड्स। और इस लेक्चर से हम जैसा है कि हम एक बेस से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, लाइक हम डायरेक्टली चैप्टर वाइज पे नहीं जाएंगे, चैप्टर हम बाद में कंप्लीट करेंगे। बट कैसा है कि जो इसके ये है आर्टिकल्स वगैरह हैं, शेड्यूल्स हैं, ये सारी चीज़ जो है हम पहले ही कवर करेंगे। तो आज हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा वीडियो जो है डेमो वीडियोस के हिसाब से देखा जा सकता है फ्रेंड। लाइक हम लोग जो है एक स्टार्ट कर रहे हैं और आने वाले नेक्स्ट एक दो वीडियोस में आर्टिकल से रिलेटेड, शेड्यूल से रिलेटेड वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि मतलब एक एक जो लेक्चर है, जो इसके बाद में जो बेसिक कंप्लीट होने के बाद जो भी लेक्चर्स आएंगे फ्रेंड्स, वो लेक्चर में क्या होगा कि हम कवर करेंगे चैप्टर वाइज हिस्टोरिकल से लेके जाएंगे, और फिर उसके बाद प्रियम्बल और जो भी मतलब लाइन से जो चैप्टर्स है इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत के, वो हम यहाँ पे एक एक चीज़ डिटेल में कवर करेंगे फ्रेंड। ये तो जस्ट एक जो है मैंने ये जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ फ्रेंड, ये जस्ट फॉर डेमो है। मतलब कि मतलब जो वीडियोस है अपलोड करने के, मतलब एक ऐसे रफ वीडियो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फ्रेंड। इसमें कुछ आर्टिकल्स ही जो मैंने यहाँ पे किए हैं, और ये भी आर्टिकल्स की वीडियोस मैं बाद में लूँगा, जिसमें पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम लोग खाली खाली यहाँ पे एक जस्ट एक अज्यूम कर रहे हैं कि मतलब जो वीडियोस है अपलोड करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ये लेक्चर में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, दो ही चीज़ डिस्कस करेंगे, लाइक यूनियन एंड इट्स टेरिटरी एंड सिटीजनशिप, ठीक है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और सिटीजनशिप देखेंगे, इनके आर्टिकल्स हम खाली खाली रीड करेंगे, आर्टिकल्स खाली देखेंगे, जो कि आप ये जो आसानी से मतलब जो है इंडियन पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसमें आपको मिल जाता है। फिर भी हम लोग यहाँ पे एक ट्राई कर रहे हैं कि मतलब जो अच्छा आप लोगों के बीच में कुछ कर सके, अपने नॉलेज को आपके सामने ला सके फ्रेंड्स। तो सपोर्ट ज़रूर करें, जो होगा आपके दिल और दिमाग में कमेंट लाइक शेयर जो भी हो आप ज़रूर कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे क्या है कि आर्टिकल वन और आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, ये जो है पहले शेड्यूल में मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट उसमें कवर किया जा रहा है, ठीक है। लाइक फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कवर क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 1, 2, 4 कवर करते हैं, वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। यूनियन एंड टेरिटरी क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मतलब क्या है, जो भी हमारी टेरिटरी और ये सब मिला के मतलब जो इंडिया है पूरी तरह से एक यूनियन है, ठीक है। तो यहाँ पे चार आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है। लाइक आर्टिकल 1 दिया है, आर्टिकल 1 में क्या कहा जाता है कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। अगर ये हमारा यूनियन कोई मतलब सपोज़ ये यूनियन है, तो इसका नेम यूनियन मतलब यूनियन है और टेरिटरी है, इनका नाम जो है नामकरण करना, नाम देना, ये सब आर्टिकल 1 के जरिए हम कर सकते हैं। अगर आप हाल ही में देखेंगे तो एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, लाइक यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो रिसेंटली जो स्टेट था हमारा, ठीक है, पहले जम्मू एंड कश्मीर क्या था, स्टेट था, लेकिन अभी क्या वो यूनियन एंड टेरिटरी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। उस इसमें क्या इस्तेमाल किया गया, इस्तेमाल किया गया था आर्टिकल 1 को लिया गया था, ठीक है। आर्टिकल 1 के तहत यूनियन एंड टेरिटरी किया गया। अभी आर्टिकल 2 में क्या बात की जा रही है, आर्टिकल 2 में यहाँ पे जो बात की जा रही है, एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। सपोज़ आप अगर कोई नया स्टेट अगर आप देखेंगे कि मतलब अभी तो फ़िलहाल हमारे पास जो स्टेट है, इनके अलावा अगर कोई स्टेट अगर यहाँ पे जो मतलब निकल के आते हैं, या फिर कोई स्टेट अगर हम इंडिया की मतलब ये बाउंड्री में आते हैं, तो यहाँ पे हम आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 2 का इस्तेमाल यहाँ पे होगा, एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मार्कर का इशू हो रहा है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। आर्टिकल 2A क्या है, यहाँ पे सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन। अभी सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन किया गया, आर्टिकल 2A का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। आर्टिकल 3 में क्या किया गया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। अगर हमारे स्टेट है, जैसे सपोज यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश स्टेट है। अभी यहाँ पे कई बार आपने सुने होंगे कि मतलब न्यूज़ में रहा होगा कि इनका यहाँ ये एरिया मतलब ये डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल दिया गया है, ये स्टेशन का नाम बदल गया है, ठीक है। अब यहाँ दुनिया मतलब अलग अलग जगह पे मतलब नाम बदले गए हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, मतलब ये गवर्नमेंट के द्वारा जो बदले जा रहे हैं, यहाँ पे आर्टिकल 3 का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया, तो यहाँ अल्टरेशन जो किया गया था मतलब जो स्टेट एरिया जो नाम बदले जा रहे हैं, आर्टिकल 3 का इस्तेमाल हो रहा है। और नया स्टेट अगर फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पे क्या आर्टिकल 3 का यूज़ किया जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल फोर। आर्टिकल फोर में क्या है कि लॉ मेड अंडर टू एंड थ्री, अभी टू और थ्री में जो आर्टिकल लॉ इसमें जो बन रहा है, आर्टिकल में जो मतलब लॉ बने हैं, ठीक है, प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल, ठीक है, इसको प्रोवाइड करते हैं फोर्थ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल के हिसाब से, सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशल मैटर, ठीक है, तो ये सारी चीज़ इसमें है आर्टिकल फोर में। फ्रेंड्स ये सब क्या है ना, ये सब एक फैक्चुअल चीज़ है, इसे आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। रिफ़र करें आप लक्ष्मीकांत, दिस अ बेस्ट बुक। और इसमें कैसा है ना कि ये सारी चीज़ें जो है ना, जब लाइक आप प्रीलिम्स कर रहे हैं, प्रीलिम्स दे रहे हैं, फिर मेंस दे रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देते होंगे, जहाँ कंपिटेटिव एग्ज़ाम होता होगा, उस एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड कैसा, ये सब चीज़ फैक्चुअल है, पूछे जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस। तो आप जितने भी मतलब समराइज पेजेस हैं इंडियन पॉलिटी के, वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से पढ़ें और उसे याद रखें फ्रेंड्स, जितनी बार हो सके उतनी बार रिपीट करें। रिपीटेशन आप बोलते हैं ना कि मतलब कैसा है कि मतलब अब ब्रूसली के बारे में जानते होंगे, ठीक है, अभी ये सब लोग कैसे थे कि मतलब ये लोग कंसिस्टेंसी वाले लोग थे, जो भी चीज़ ये लोग करते थे, भले वो लोग जो चीज़ में माहिर थे, जो चीज़ में एक्सपर्ट थे, वो उनकी कंसिस्टेंसी उनके उनको आगे लेके गई। तो आप भी अपनी कंसिस्टेंसी बढ़ाएं, कंसिस्टेंसी रखेंगे तो आप ज़रूर, चाहे जो भी होगा वो आप जहाँ पे भी होंगे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अब यहाँ पे पार्ट टू में हम देखेंगे सिटीजनशिप, ठीक है। सिटीजनशिप में क्या है कि मतलब सेकेंड पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये क्या सेकेंड पार्ट है, और ये कवर करते हैं आर्टिकल 5 to 11। इसमें 5 to 11 का आर्टिकल जो है कवर किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। 5 में क्या बोला गया है, सिटीजन्स एट अ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी यहाँ पे जो सिटीजनशिप है एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पे कमेंसमेंट मतलब कैसा हो गया, एक इनकॉर्पोरेशन होना, रजिस्ट्रेशन होना, ये सारी चीज़ें जो सिटीजनशिप है आर्टिकल 5 के थ्रू हो रहे हैं। आर्टिकल 6 में क्या, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। आर्टिकल 6 में क्या दिया जा रहा है, एक राइट दिया जा रहा है, अधिकार दिया रहा है सिटीजनशिप को, अब जो वो लोगों को जो लोग माइग्रेट होके आए हैं टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान में, ठीक है। अब आप जानते ही होंगे हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था उस टाइम की बात में यहाँ पे मतलब जो किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है आर्टिकल 7, आर्टिकल 7 में क्या है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। अब यहाँ पे भी दिया गया है जो सिटीजनशिप है मतलब राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान, जो माइग्रेंट होके पाकिस्तान गए उन सिटीजन्स के लिए भी राइट यहाँ पे दिया गया है आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 8 में क्या बोला गया है, राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के आउटसाइड रह रहे हैं, ठीक है, अब उनको भी क्या यहाँ पे देखिए वो सर्टेन पर्सन को भी यहाँ पे सिटीजनशिप का राइट्स आर्टिकल 8 के थ्रू बोला गया है। आर्टिकल 9 में क्या है, पर्सन वॉलंटरली अक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी इंडियन, तो आर्टिकल 9 यूज़ कर सकते हैं अगर जो पर्सन वॉलंटरली खुद एक्वायर कर रहे हैं कि मतलब सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले रहे हैं और नॉट टू बी एन इंडियन, तो आर्टिकल 9 इसमें यूज़ होता है। आर्टिकल 10 में क्या है, कंटिन्यूंस ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप, ठीक है, आर्टिकल 10 करके आप जो भी मतलब इस कंटिन्यू रख सकते हैं राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप। नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 पार्ट सेकेंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है जो सिटीजनशिप में, इसमें क्या आर्टिकल 11 में बोला गया है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, ठीक है, अभी ये पार्लियामेंट है तो इनको रेगुलेट करे, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, कानून के तहत इसको जो भी इसके नियम कानून है सब कुछ रेगुलेट करे पार्लियामेंट, ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे जो आर्टिकल्स है। तो दोस्तों कैसा है ना कि मतलब जो आर्टिकल्स हो गए या जो भी फैक्चुअल क्वेश्चंस हो गए, फैक्चुअल चीज़ें हैं, वो चीज़ों को आप है ना जितना ज़्यादा उस पर आप मतलब रेगुलर मतलब कंटिन्यू आप पढ़ते रहोगे, कंटिन्यू आप उस पर करते रहोगे, तो उसमें कैसा हो गया आप एक एक्सपर्ट उसमें हो जाओगे, मतलब आगे कल के कभी भी अगर मतलब वो क्वेश्चन उससे रिलेटेड आते हैं तो आपको कैसा मालूम है पूरा उसमें कैसा हो जाता है कि मतलब आप एक आप उसको देखोगे तो आपको उसमें डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा मतलब ये क्वेश्चन किस चीज़ से पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसा है ना मतलब क्वेश्चंस इजी ही आते हैं, बस हम उसे पढ़ते हैं लेकिन उसको हम रिवीजन नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी जो लूप होल होती है ना हमारे जो दिनचर्या है रोज़ जो हम डेली लाइफ में करते हैं वो हम रिवीजन नहीं करते हैं, ठीक है। तो रिवीजन मस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम्स कर रहे हैं आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अगर आप सुबह से लेके शाम तक पढ़ाई कर रहे हो,
ठीक है, लाइक सपोज मान लो 8 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, 7 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अब 7-8 घंटा अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो, पढ़ते हैं, रोज पढ़ रहे हो, नहीं अब आप इसमें कैसा है कि 1 घंटा 1.5 घंटा आप अपने रिविजन्स के लिए भी टाइम निकाले। क्या है कि आप दिन भर जो पढ़ते हैं ना, उस 1 घंटा भी अगर आप रिविज़न मारोगे ना, तो वो चीज़ है ना काफ़ी परफेक्ट हो जाती है। ठीक है, पूरे हफ्ते भर में ऐसे चलाओ, और जो आपका संडे रहेगा, जो मतलब संडे कैसा मतलब एक आपके लिए देखा जाए, अगर जो जॉब करते हैं तो उनके लिए पूरा ही मतलब एक फ्री टाइम रहता है संडे। तो संडे नॉर्मल कैसा है कि आप MCQ क्वेश्चंस हो गए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गए, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करो, तो उससे क्या होगा आगे आपको मेंस में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो फ्रेंड्स। तो फिर आज के लेक्चर में हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं अगले वीडियोस में, अगले लेक्चर्स में, और भी अच्छे आगे जो भी मतलब है अच्छे टॉपिक के साथ में, मतलब इसके आगे जो भी आर्टिकल्स है या फिर चैप्टर्स हैं हम आगे कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।